मीनू करेगी अनुज का इलाज। अनुज ने पोछे अनुपमा के आंसू। स्टार प्लस का शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि मीनू अनुज को अपने साथ आश्रम वापस लेकर आती है। अनुज को ऑब्जर्व करने के बाद मीनू अनुपमा और बाकी सबसे कहती है कि अनुज की याददाश्त नहीं गई है। अनुज सिर्फ अपनी पुरानी यादों को भूलना चाहता है, वो सिर्फ आद्या को याद रखना चाहता है। तो अगर हम सब चाहे तो हम अनुज को एक बार फिर से नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। मीनू चाहती है कि वो अनुज का इलाज करेगी। अनुपमा को इस बात की चिंता होती है कि वनराज इसका बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा। वनराज ऐसा ही करता है। जैसे ही मीनू घर लौटती है, वनराज का गुस्सा फूट पड़ता है मीनू पर। लेकिन मीनू डट कर वनराज का सामना करती है और कहती है कि भगवान ने मुझे इशारा दिया और मैंने अनुज का केस ले लिया, और वैसे भी मैं आपसी दुश्मनी के वजह से अपने डॉक्टर के ओथ को नहीं भूल सकती हूँ। वनराज समझ गया है कि मीनू उसके कंट्रोल में नहीं है। वही देविका अनुज को समझाने की कोशिश करती है कि बार बार अनुज और अनुपमा के रास्ते मिलते हैं, यानी कि भगवान भी चाहते हैं कि वो दोनों एक साथ रहे। इसके बाद वहां पर अनुपमा आएगी। अनुपमा अनुज से बात करते हुए इमोशनल हो जाएगी और अनुज अनुपमा की आंसुओं को पोंछते हुए नजर आएगा। अनुपमा के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अनुज जो अनुपमा से दूर जाता है वो आज उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। अब धीरे धीरे सब अनुज को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जिससे वो एक बार फिर से मोटिवेट हो जाए। और फाइनली अनुज मोटिवेट हो गया। मिरर में देखकर अनुज खुद से बात करता और कहता है कि उसे आद्या को ढूंढना चाहिए था, उसे गलती हो गई कि उसने अंकुश और बरखा की बातें मान ली। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला कि क्या इसके बाद अनुज अनुपमा के साथ नॉर्मल हो जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।